ये पहली बार शायद होगा मैं आप तीनों से सहमत नहीं हूं। आप लोग घुमा फिरा के बात करना अभी छोड़ो, अगर इन बच्चों का फ्यूचर बनाना है अभी स्ट्रेट कार्ड बात करना सीखो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस। मुदा सर जी, जी आप कह रहे थे कि उनका चेहरा नहीं दिखा, निर्मल का एक्सप्रेशन नहीं दिखा। हम एक्टर्स हैं, हमें बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाता है। अगर कोई बैक शॉट में मुझे शॉट देना हो, मैं ऐसे ही चला गया करेक्टर छोड़ के, तो लोग मुझे गाली देंगे। इवन माई बैक, माई बॉडी लैंग्वेज विल से कि विच करेक्टर आई एम प्लेइंग। एस्थर इज अ बैटमैन, अगर उनका चेहरा नहीं दिखा, उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि ही वॉट एवर इज प्लेइंग, जो करेक्टर वो प्ले कर रहा है उसमें वो है या नहीं है। आप उतरे हो मैदान पे तो लड़के उतरो। दूसरी बात गेती मैडम, मैं आपको बता दूं जी, ये हर बार मैं देख रहा हूं कि कितनी तकलीफ हुई, ये रोल पे चढ़ा उसने हाथ ताकत छे गिरा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। अगर आपको नहीं आता है तो मत कीजिएगा एक्ट, अगर करना है तो सही कीजिएगा। पुनीत सर आपके साथ भी सहमत नहीं हूं, क्यों आप क्यों कह रहे हैं बार बार कि हमको वही निर्मल देखना है। आप कहिए मुझे निर्मल से आगे से बढ़ के कुछ देखना है, क्यों DID को कुछ बना के भेजना है इनको। कौशिक तुमने बहुत अच्छा किया है लेकिन जान कम थी, द हार्ट वॉज मिसिंग, दिल कम था। तो कोहिनूर बनने के लिए कोहिनूर की तरह अभी बिहेव करना सीखो, इसमें जान डालो। जब किसी में जान आती है ना वो अपने आप निखर के आता है। पक्का सर, नेक्स्ट टाइम एकदम। विमल कोई शक नहीं है, यू आर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सर। लेकिन मुझे भी अभी भी लगता है कि तुम में कोई चीज है अभी भी क्यूटी पाई ने निकाल नहीं पाई, बट आज का एक्ट भी आपका ब्रिलियंट एक्ट था, दैट्स व्हाई यू आर सेफ। ऑलराइट निर्मल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुरक्षित हैं तो आप अपनी टीम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कौशिक पहली बार, इट्स योर फर्स्ट टाइम, यस, आप उस रेड सोफे पे बैठेंगे। सो जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि जरा दिल से परफॉर्मेंस दीजिए, दिल लगाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अभी आप उस रेड सोफे पे जाके बैठ जाएं, जोरदार तालियां हो जाए कौशिक के लिए। सो मास्टर गेती अब आपकी बारी है।